और दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह और आज का जो विषय है वो है कि फोर्ड का जो है फ्यूचर कैसा दिख रहा है, क्योंकि कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है ऑटो कार की तरफ से। और ऑटो कार इंडिया, मैं मानता हूँ कि सबसे एक बहुत विश्वसनीय आर्टिकल जो है वो लिखते हैं और बहुत बढ़िया कार ब्लॉग है जिसपे हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनसाइडर्स जो हैं इनमें काफ़ी हैं जो बहुत पुख्ता खबरें निकाल के लाते हैं। तो कल जो है सौरभ जी जो हैं उन्होंने आर्टिकल जो छापा है ऑटो कार इंडिया में, उसमें ये चर्चा की गई है कि शायद उसमें जो फोर्ड इंडिया है वो भारत छोड़ के जा सकता है और सिर्फ अपने सीबीयू प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे फोर्ड रेंजर या मुस्टैंग, सिर्फ वैसी गाड़ियां जो हैं वो भारत में सेल्स के लिए रख सकता है। तो ऐसी चर्चा क्यों की गई है मैं आपको बताता हूँ। जो इनकी ये दो फैक्ट्रीज हैं गुजरात और तमिलनाडु में, वो दोनों अभी बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि 3 साल इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जो जॉइंट वेंचर की चर्चा चल रही थी, जिसमें 90% पेपर वर्क हो चुका था और ये भी तय हो चुका था कि कौन कौन से इंजन शेयर होंगे, कौन से प्लेटफॉर्म शेयर होंगे। जो फोर्ड थी उन्होंने इनको एक मिड साइज एसयूवी देनी थी और इंजन शेयर होने थे, क्रॉस बैजिंग जैसे टोयोटा और मारुति अभी कर रहे हैं, वैसे भी इनके कुछ प्लान्स थे। बट महिंद्रा की कुछ ही पहले जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, टॉप मैनेजमेंट, उसके चलते उन्होंने आके फोर्ड के जो सारे पेपर वर्क था या जो भी वेंचर होने वाला था उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं थे आगे लेके जाने में, और फोर्ड के पास कोई भी प्लान बी नहीं था। जो ये 2-3 साल इन्होंने कह लो कि जो इन्वेस्ट इनको करना चाहिए था नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए, वो करने की बजाय वो थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए जॉइंट वेंचर में। और अभी क्या है कि जो इनकी दो फैक्ट्रीज हैं गुजरात और तमिलनाडु में, उसमें कैपेसिटी जो है गाड़ियां बनाने की वो 4 लाख की है और दोनों फैक्ट्रीज जो है वो फोर्ड के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ बनी गई हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ, और 24 साल हो गए लगभग फोर्ड को भारत में। बट जो इनकी इनिशियल सेगमेंट वाली कार्स हैं, जो जिसमें फोर्ड एस्पायर, फ्री स्टाइल और फोर्ड फीगो, उसमें इनको जो सक्सेस की उम्मीद थी वो इनको नहीं मिली। और इको स्पोर्ट में अगर सक्सेस है भी है या एंडेवर में अगर इनकी कुछ सक्सेस है, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल कि वो और 2-3 साल यहाँ पे रुक सकें, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो कई और प्रोडक्ट्स भी साथ में लेके आ सके अभी, क्योंकि बहुत उनको खर्चे पड़ रहे हैं और वो कुछ और ब्रांड्स की तरफ भी देख रहे थे जिनमें लगभग उन्होंने मना कर दिया है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो ओला है, चाहे वो स्कोडा है, वो उनकी फैक्ट्रीज में कार्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शेयर नहीं करना चाहते उनकी फैक्ट्रीज फोर्ड की। तो अभी फोर्ड के पास और कोई रास्ता नहीं है फैक्ट्रीज को बंद करने के अलावा, क्योंकि सिर्फ 80,000 कार्स वो बना रहे हैं जबकि कैपेसिटी 4 लाख की थी, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी जो उनके हैं वो आधे रह गए हैं। और कोविड के चलते सेल्स जो हैं वो भारत में और कम हो गई हैं। अगर आप इनका अगस्त वाला महीना भी उठा के देखिए, तो जहाँ पे ये लगभग हर महीने 5,000 गाड़ियाँ बेच रहे थे, उनमें अब सिर्फ आई थिंक 2,000 से कम सेल्स इस महीने अगस्त में इनकी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कस्टमर जो हैं दे आर लूजिंग ट्रस्ट इन फोर्ड एंड दे ऑल्सो नो कि शायद फोर्ड जो है दे आर प्लानिंग टू रैप अप दियर बिजनेस एंड क्लोज दियर शॉप। और मैं इसको बिल्कुल भी र्यूमर नहीं मानता, क्योंकि उस आर्टिकल में, मैंने वो आर्टिकल का लिंक आपसे शेयर किया है, उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी जो हैं फोर्ड के ऑफिशियल्स के द्वारा वो साझा की हैं, जिसमें फोर्ड ने ये भी डिस्कस किया है कि जो भारत में इधर रूल्स चेंज होते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उसके चलते कहते हैं फोर्ड वाले कि बिजनेस करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि एलॉयज पे भी कुछ मार्किंग उनको करनी होती है, वो मैंडेटरी है, और ISI मार्क जो है वो इनको देना होता है अपनी विंड स्क्रीन्स के लिए या हर विंडोज के लिए जो गाड़ी की होती है। तो फोर्ड ने पर्टिकुलरली कहा है कि ऐसे छोटे छोटे नॉर्म्स जो उनके कम वॉल्यूम कार्स हैं जैसे मुस्टैंग, उसके लिए ऐसी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो CBU बन के आती हैं फ़ौरन से, राइट। तो बस आप ये मान के चलिए कि बहुत चैलेंजिंग हो रहा था फोर्ड के लिए, क्योंकि BS6 के आने के बाद वो डीजल इंजन का भी थोड़ा सा उनका मुश्किल हो गया था छोटी गाड़ियों में प्रोवाइड करना, और
ज्वाइंट वेंचर के ना चलते नई गाड़ियों में इन्वेस्ट करने में उनको संदेह थोड़ा सा हो रहा था कि मार्केट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। और फोर्ड के ऑफिशियल ने ये भी एक एग्जाम्पल दिया कि $500 मिलियन अगर खर्चने हो, 3500 करोड़ के आसपास अगर खर्चने ही हो, तो हम कोई और मार्केट में खर्चेंगे जहाँ पे हम फोर्ड रेंजर जैसे पिकअप जो है निकालेंगे और मार्केट की क्षमता भी होगी खरीदने की। भारत में उनको और इन्वेस्ट करना अभी वर्थ नहीं लग रहा, दैट इज़ वाई देवर लुकिंग फॉर सम ज्वाइंट वेंचर जिसमें प्लेटफॉर्म और क्रॉस बैजिंग के साथ गाड़ियाँ लॉन्च हो सकती और 3-4 साल वो सर्वाइव कर सकते। थोड़ा सा एज अ कस्टमर मैं निराश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब जब किसी मैन्युफैक्चरर ने अच्छी गाड़ी निकाली है भारत में उसको रिस्पांस अच्छा मिला है, और जिसमें मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है लुक्स। इनकी जो फोर्ड फिगो पुरानी वाली थी वो ज़्यादा बिक रही थी, इनफैक्ट जो ये नई वाली फोर्ड इन्होंने निकाली है फिगो जिसको 6-7 साल हो गए हैं बट मार्केट ने उतना बढ़िया से एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उसी कंपैरिजन में आप एल्ट्रॉस देखिए, i20 देखिए, इनफैक्ट अगर पोलो भी अगर आप देखें तो दे सर्वाइव वेरी ग्रेसफुली इन द मार्केट। तो बट बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि 1.5 इनका जो फोर्ड एस्पायर में या फिगो फ्री स्टाइल में आता था या आता है वो बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया डीजल इंजन है माइलेज भी और पावर के हिसाब से। ये मैसेज कहीं ना कहीं लोगों तक, मास लोगों तक नहीं पहुंचा। इको स्पोर्ट अगर इनकी अच्छी बिक रही थी और बिक रही है, सबसे पहली गाड़ी थी अंडर 4 मीटर SUV, बट फिर भी इन्होंने, जब कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, इनको जब इनकी इको स्पोर्ट बिक रही थी तब इनको एक बहुत फुल साइज सेडान और मिड साइज SUV लेके आनी चाहिए थी जिसमें क्रेटा और सेल्टोस साइज वाली गाड़ी मैं बात कर रहा हूँ, और वेंटो सिटी के कंपैरिजन में एक और इनको सेडान फिएस्टा जैसी सेडान लेके आनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ट्रेन जो है फोर्ड ने खुद मिस की है, ज़्यादा ही डिपेंडेबिलिटी इनकी JV पे हो गई थी, ज्वाइंट वेंचर पे, और अभी जो है दे आर स्ट्रगलिंग डिस्पाइट अ जायंट इन US, यहाँ पे दे आर स्ट्रगलिंग और ज़्यादा इन्वेस्ट भी अभी ये नहीं करना चाहते। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो का मुद्दा, आपको मुझे था मैं आपको बताऊँ कि ऑटो कार जो है वो क्या सोचता है, और बहुत रिलायबल सोर्सेज से उन्होंने ये खबर जो है वो छापी है कल, और जो इनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं ऑटो कार के उन्होंने तो रीट्वीट करके फोर्ड को ये भी बोल दिया है कि वी विल मिस फोर्ड। तो कहीं ना कहीं ये एक नोशन बन रहा है कि शायद जो है फोर्ड भारत छोड़ के जाने वाला है, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट की वेट हो रही है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप आर्टिकल जो है मैंने ऑटो कार का नीचे लिंक शेयर किया, आप उसको पढ़िए और उस हिसाब से आप मुझे अपनी ओपिनियन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।